हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे द थीफ एंड द थॉर्न का पिक्चर देख करके उसका नाम लिखे थे। सी ईच पिक्चर एंड सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स दैट नेम्स द पिक्चर, इसको बनाए थे और याद किए थे। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पेज 25 और 26 पढ़ेंगे। जो कुछ भी बनाने के लिए बोला गया है वो बनाएंगे। देखते हैं इसमें क्या बनाने के लिए बोला गया है। सी द पिक्चर एंड सेलेक्ट वन सेंटेंस आउट ऑफ थ्री दैट मैचेस द पिक्चर। यहाँ इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, उसके बाद ये सेंटेंस को पढ़ना है। नितिन इज ए थिन बॉय, ए शॉर्ट बॉय, ए फैट बॉय। ये तीनों में से कौन करेक्ट है? नितिन इज ए फैट बॉय, तो फैट बॉय को टिक करेंगे। ये नितिन मोटा दिख रहा है, सचमुच का मोटा दिख रहा है, इसका नाम नितिन है, तो फैट बॉय को टिक करेंगे। उसी तरह द स्टिक, ये यहाँ स्टिक है, इसमें कितने कांटे हैं? 1, 2, 3। हैज 3 थॉर्न्स, हैज 5 थॉर्न्स, हैज 30 थॉर्न्स। पहला वाक्य में दिया हुआ है कि छड़ी में 3 कांटे हैं, दूसरे वाक्य में दिया हुआ है छड़ी में 5 कांटे हैं, और तीसरे में दिया हुआ है कि छड़ी में 30 कांटे हैं। तो हम शुरू में ही देख लिए कि ये 3 कांटे जो हैं ये करेक्ट दिया हुआ है, तो इसको टिक कर देंगे। और यहाँ ये पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये घड़ा है और ये कौआ है। घड़ा में पानी है, कौआ प्यासा है और वो पानी पी रहा है। द क्रो इज हंग्री, द क्रो इज थर्स्टी, द क्रो इज फ्लाइंग। इसमें से जो करेक्ट लगता है उसमें आप टिक कीजिएगा। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया है, यहाँ लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया है और आपको इसको सही ढंग से सजाना है ताकि इस वर्ड का मीनिंग निकले। ऐसा ही आप लोगों को करना है। टी एच आई ई एफ थीफ, टी एच आई ई एफ थीफ, थीफ मीन्स चोर। ये एच ओ टी आर एन, ये इससे क्या बन सकता है? टी एच को बगल में लाते हैं, उसके बाद ओ आर एन थॉर्न, टी एच ओ आर एन थॉर्न, टी एच ओ आर एन थॉर्न, थॉर्न मीन्स कांटा, तो ये करेक्ट होगा। अब हम अगला देखते हैं, आई एन टी एच, ये मीनिंगफुल नहीं है। टी एच आई एन थिन, थिन मीन्स पतला, ये मीनिंगफुल है, यहाँ हम लोग थिन लिख देते हैं, थिन। इसके बाद अगला देखते हैं, सी टी एच के आई, ये सोचते हैं ये क्या बनेगा। टी एच आई सी के थिक, थिक मीन्स मोटा, थिक मीन्स मोटा, ये बन सकता है, ये आप लोग बना लीजिएगा। टी एच आई सी के थिक, थिक मीन्स मोटा। थर्स्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्स्टी होगा, आप देखिएगा। टी एच आई आर एस टी वाई, थर्स्टी, ये मीनिंगफुल हो रहा है, तो यहाँ थर्स्टी लिख दीजिएगा। अब ये देखते हैं, यू टी एम एच बी, ये क्या होता है? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ,
ये आप खुद अपने से बनाकर कर रखेंगे ये क्या है, ये आपको बनाना है। उसके नीचे देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इस आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द स्टिक हैज थ्री थॉर्न्स, ऐसे भी बना सकते हैं। थ्री इज अ डिजिट, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ ये लड़का नहा रहा है, आप भी रोज नहाते होंगे। आई टेक अ बाथ डेली, आई टेक अ बाथ डेली, या द बॉय इज बाथिंग, दोनों में से कोई एक सेंटेंस बना सकते हैं। द बॉय इज बाथिंग या आई टेक अ बाथ डेली, ये भी बना सकते हैं। ये आप पर है, आप कौन बनाना चाहें। ये दोनों छोड़कर और भी सेंटेंस बना सकते हैं, 100 सेंटेंस बन सकते हैं, मोर देन 100। इट्स ऑन यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।